बंदा सुबह ही खुद तो उठ गया और हमें फंसवा दिया है ना। तू क्या कर रहा? अरे भाई, अरे अरे भाई, पूरा पता कैसे टूटा ये? पूरा जड़ से टूट गया है। ये पेट्रोल की टंकी है भाई, देख रहे हो भाई, चेक करो मिली। ओ भाई। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो तुम्हारा भाई उठ चुका है आज जल्दी, और जल्दी भी नहीं कहेंगे यहाँ के लिए, वैसे सुबह 7 बजे उठते हैं और अब बज रहे हैं 11। और सिद्धू भाई ने मैसेज कर दिया सर को, सर आ गए और सर सबकी क्लास ले रहे हैं अंदर जाके भाई। तो आज बहुत ज्यादा लेट हो गए, सर बोल के गए रात को कि सुबह 7 बजे उठ के दौड़ लगानी है, लेकिन भाई कोई भी नहीं उठा। भाई तुम्हें जो ना सीन दिखाता हूँ अंदर चल के, क्या सीन हो रहा है भाई, बहुत गंदा सीन होने वाला है, सभी पिटने वाले हैं। सर जो ना अंदर चले गए, और मुझे पता है सुपारी किसने दी सर को, सुपारी हमारे सिद्धू भाई ने दी। S3K ब्लॉग जो है इनका चैनल है भाई, 4 लाख सब्सक्राइबर है भाई के, जाके चेक कर लेना। बाकी अंदर चलते देखते सर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं लेके आया, ना गाड़ी लेके आया, ना कुछ लेके आया। तो वो ये ना यार, ब्लॉगिंग कैसे करूंगा मैं, अभी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आया हुआ हूँ स्टंट सीखने के लिए। एक हफ्ता मैंने गोवा में काटा, फिर हैदराबाद में 3-4 दिन काटे, तो वही चीज हो गई यार, लेट तो हो गए, लेकिन कोई नहीं यार, बट चलते अभी अंदर आपको दिखाता हूँ चल के। देखो ये है प्रूफ, सर जल्दी आओ, सब सो रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करूंगा। देख गद्दारी करता हमसे ये बंदा, देख रहो सब तो पिट लिया, ये नया बंदा आता ये भी पिट गया। पिटा क्या तू, कितने पड़े तेरे? एक दो मतलब एक या दो पड़ा। मजा आया क्या? ये बंदा बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई इसके लिए। मुश्किल नहीं भाई साहब, दोनों साथ में उतरो। इसकी भी सुथाई चालू हो चुकी है, पता नहीं क्या कर रहा था सुबह सुबह उठ के भाई। प्रसाद सबको मिलता है, अभी जारुल भी पिटेगा। बंदा सुबह ही खुद तो उठ गया और हमें फंसवा दिया है ना, ये देखो। हाँ साथ दिया, अभी पता लगा। तू क्या कर रहा है? जो हमको सिखाते हैं ना वैभव सर, तो उनकी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब वो भी स्टूडेंट ही हैं। और पता है इस पूरे ग्राउंड के ना, आपने ग्राउंड तो देखा ही है, पूरे ग्राउंड के कम से कम 20 चक्कर लगवाए, और ऐसे हाफ रहते ना भाई, कुछ कह नहीं सकता। वैभव सर टांग ऊपर रख के दिखाना, अगर रेगुलर ट्रेनिंग करता है ना बंदा तो भूलता नहीं है, लेकिन बट अभी देखो कहाँ घुसे चले जा रहे हैं। पार कर दो इसको, तुम भी ट्रेनिंग के लिए आए हो क्या? भाई ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग करोगे यार? तुमको ट्रेनिंग तो करनी रहो, तुम जब से आयो नहीं कर रहा हूँ, बट करूंगा। मुझे लग रहा है तुमको 4-5 दिन के चक्कर ज्यादा लगा लिया आज तुमने इकट्ठे। भाई इन्हें भी बहुत दौड़वाया, लेकिन भाई इनकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं है, फिर भी इनको इतना भगवा दिया ना इस ग्राउंड में भाई, ऐसा लग रहा था कि अंदर से बस निकल के आ जाएगा दिन। तो भाई एक बंदा जो ना कराड़ से आया हुआ है, और यहाँ से मेरे ख्याल से 180 किलोमीटर है। भाई कहाँ से आए हो यही बताएंगे भाई? कराड़ से। मतलब कैसे आए हो तुम यहाँ पे? और क्या वीडियो में से नंबर लिया क्या कहीं से, यूट्यूब से? है क्या कहोगे यहाँ से सीखने के बाद जाके भाई? स्टैंड करोगे रोड पे सेफ्टी के साथ? ठीक है ना, यहाँ का रूल है कि आप सेफ्टी के साथ चलो, क्योंकि यार यहाँ पे जो ना यही सिखाया जाता है, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है आपके लिए, उनके लिए जरूरी नहीं, आपके लिए जरूरी। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, देख रहे हो स्टाइल, देखो भाई का। भाई साहब एकदम से नीचे, और गाड़ी के ऊपर कैसे बैठे तुम? ये तो स्टाइल मैंने भी नहीं करा वो सर। तो गाइस देख सकते हो भाई, वैभव सर ने तो पूरा पता है कैसे टूटा, ये पूरा जड़ से टूट गया है यार, इनका देख ही लिया। गिरी भी गाड़ी बहुत जोर से यार, इतनी जोर से गिरेगी तो ऑब्वियसली बात है कि टूटेगा यार। भाई देख रहे हो ये पूरा लीवर तोड़ दिया इन्होंने। तो गाइस हो चुके हैं शाम के 5, और देख सकते हो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाने के लिए मैं रेडी हो गया हूँ, क्योंकि अभी मेरे को देखने को मिली, फर्स्ट टाइम देखी मैंने भी ये चीज, तो आपको भी दिखाता हूँ। देखो भाई इंजन किसी और चीज का है, टायर कोई और से है, पता नहीं, ये मुझे लग रहा है पूरी बॉडी जो ना बिल्डअप करके बनाई हुई है। आइए भाई साहब, ऐसा लग रहा है साइकिल हो भाई, देख रहे हो, इसको करीब से दिखाता हूँ तुमको मैं, क्या ओपी लग रही है भाई यार। इंजन पता है मुझे होंडा का इंजन लग रहा है इसमें, और पता नहीं सर इसकी पेट्रोल की टंकी है क्या? ये पेट्रोल की टंकी है भाई, देख रहे हो सिलेंडर कहाँ कहाँ यूज हो रही है भाई, चेक करो मिली।
पता है गियर भी नहीं है उसमें, ऑटोमेटिक है बिल्कुल। ओ भाई क्या भाई क्या यार, मुझे नहीं लगता गाइस तुमने ऐसी कोई चीज देखी होगी आज तक। भाई मैंने भी पहली बार देखी है, फर्स्ट टाइम जो मेरे सामने हो रहा है ना, आप लाइव देखते ना भाई आपको बहुत मजा आता। ये देखो भाई, ओ भाई साहब करा देख रहे हो, इसमें पंचर हो गया भाई, अभी देखते क्या सीन रहता है इसका भाई। अरे वो बाहर निकल गया है, तो मजा नहीं लगा था यार, पंचर हो गया भाई इसमें, बताओ यार। भाई ऐसी चीजें देखने को ना आपको यहीं पे मिल सकती है, बाकी कहीं भी नहीं मिलने की भाई एकदम। यार तुमको क्या ही बताऊं यार, क्या चीज बना दी यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो भाई अब 390 से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे स्टंट, और सर आज पूरे मूड में है। तो सिद्धू भाई की गाड़ी है वो, पता है सर के लिए कोई सी भी बाइक कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है सर के लिए, कोई सी भी बाइक, कोई सी भी बाइक पर कर सकते हैं और किसी भी बाइक को नचा सकते हैं सर। तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है इनके लिए ना सारी बाइकें मामूली सी है, देखो कितना इजी है यार। क्या करो भाई, ओ भाई पूरा सर्कल बना देंगे सर। ओ भाई ओ भाई चेक करो भाई, थोड़ा सा फिर से रह गया। अरे भाई पता है सर के पास ना कंट्रोल बहुत प्यारा है, पता है इसी चक्कर में जो ना सब कुछ कर पा रहे हैं। अभी देखो ओ भाई ओ इस लाइन में डर वर कुछ भी नहीं चलता है, ठीक है ना, डरोगे तो कुछ नहीं होने का यहाँ पर। फाइनली गाइस सर ने कर ही दिया। तो गाइस हो चुकी है रात और मैं ट्रैक पे ही हूँ, और मेरे को ज्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे, जो ना रात में ही ठंड हो जाती है, वैसे दिन में तो बहुत खतरनाक वाली गर्मी है यहाँ पे। और मेरी ट्रेनिंग आज पूरा दिन नहीं हुई, और सर ने जो ना 20 चक्कर लगवाए इस ग्राउंड के भाई, फेफड़े बाहर निकलने को आ गए तुम्हारे भाई के। और यहाँ पे जो सीन रहता है ना सुबह शाम का रहता है, कि मतलब कि सुबह को एक घंटा और रात को एक घंटा, लेकिन बट अभी कुछ परेशानी हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, तो इस वजह से जो ना एक घंटा ट्रेनिंग नहीं हो पा रही सुबह को, डायरेक्ट जो ना रात को ही 2 घंटे ट्रेनिंग हो रही है। बर्फ गिरने वाली, ये हमारे अमन सर हैं, और ये यार यहाँ पे 2-3 दिन से आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे भाई तुम? अरे हमको बहुत काम आ गया भाई, बहुत काम हो गया। मेरा भाई ने जो ना देखो शेविंग वेविंग करा दी है सब, बाल बाल देखो भाई के यार कितने स्मार्ट है। तो मिलते हैं ट्रेनिंग के टाइम आपसे, ठीक है अभी थोड़ी देर में, अभी के लिए बाय। तो गाइस तुम्हारे भाई की ट्रेनिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट, और आज तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है भाई इसमें, और अब सिद्धू भाई ने पता नहीं क्या पहन लिया ये। तुम्हें बहुत आसानी हो रही होगी इसमें ना, जैकेट में ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। देखो अभी इनकी व्हीली देखना तुम, मतलब इसको क्या बोलते हैं? लेग ड्रैग। इसको बोलते हैं लेग ड्रैग। तो भाई अभी सिद्धू भाई बढ़िया से एक लेग ड्रैग मार के दिखाएंगे। तो भाई पता नहीं क्या हो गया बाइक में यार, चल ही नहीं रही है यार, क्या हो गया सिद्धू भाई? गिर गया। बाहर कहाँ गिर गया? अरे यार जो उसकी वायर कनेक्शन दे रहा था। तो भाई इसका वायर निकल गया, तो अभी वायर ढूंढ लेते फिर दिखाता हूँ आपको। गाइस अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और अब सिद्धू भैया दिखाएंगे हमको लेग ट्रैक मार के। नाइस एक नंबर। ओ भाई अभी पता है यहाँ वहाँ से लेके ना, वहाँ से लेके वहाँ तक मारा था, तो भाई वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया पता है, इसी मारे अब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया भाई का। अभी देखो वेरी नाइस। तो भाई पता है एक चीज ना बार बार नहीं होती, एक बार हो जाती है वो 2 बार हो जाती है, तो उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, एक बार जब प्रॉपर आ जाएगी ना तो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, रेस ज्यादा दे रहे हैं, पहले रेस कम दे रहे थे, अभी खींच रहे हैं इस गाड़ी को। तो भाई हो चुकी है बहुत ज्यादा रात, और सिद्धू भाई की ट्रेनिंग अभी तक चल रही है बाहर, और देख सकते हो गाइस कितनी रात हो रही है बाहर। तो अभी बज रहे रात के 11, तो 11 बजे यहाँ पे ऐसे ही होता है कि ज्यादा रात हो जाती है, लेकिन ट्रैक के मामले में कोई रात नहीं है, ट्रेनिंग बिंदास होती है यहाँ पे। तुम्हारे भाई की ट्रेनिंग पहली हो चुकी है, और मैंने आज जो सीखा है तुम्हारा भाई ने, मतलब कि आज ये समझ लो आधा ट्रैक मार दिया है विली,
और जैसे भी सीख रहा है तुम्हारा भाई गिर के पढ़ के, लेकिन सीखेगा जरूर। तो गाइस तुम्हारा भाई प्रॉपर सीख के आएगा दिल्ली, और जैसे भी होगी देखेंगे यार वहाँ पे जाके। सर बोल रहे थे बहुत ज्यादा भारी है मेरी गाड़ी के, उस पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आराम से उठाना, तो तुम्हारा भाई सबसे पहले उसका हैंडल चेंज कराएगा और जो भी उसमें काम कराएगा आपको जरूर दिखाएगा। तब तक के लिए राइड सेफ, लाइफ सेफ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना हेलमेट पहन के चले भाई, सेफ्टी गार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि सर ने मेरे को बताया है, और तुम्हारा भाई भी जब भी व्लॉग बनाया करेगा सेफ्टी के साथ बनाया करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।